नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो देख सकते हो लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करे। तो मैंने पुराने नए कुछ चालू बंद पड़े मोबाइलों को आज जो खंगाला तो देखा, अंदर से काफी मोबाइल निकले। मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी मोबाइल निकलने की। तो इसमें तो काफी सलू है, तो देख सकते हो इसमें हेडफोन, ब्लूटूथ, ईयरबड्स वगैरह, ईयरफोन सब शामिल। तो अभी आपको पहले ईयरफोन हेडफोन से आप चेक करवाते हैं। तो ये अपने हेडफोन है, देख सकते हो बड़े वाले, इसका ये डिब्बा है, पूरे कानम सेट होते हैं। और ये देख सकते हो वायरलेस ब्लूटूथ, और ये ईयरबड्स देख सकते हो, और ये भी ब्लूटूथ ही है लेकिन थोड़े साइज में छोटा है। और ये है ईयरफोन, पुराने टाइम ईयरफोन लगाते थे, अभी ब्लूटूथ और ईयरबड्स का जमाना आया है। तो ये MTS का मोबाइल, MTS शायद देखा होगा, अब MTS की सिम और मोबाइल साथ में आते थे। ये इंटेस का मोबाइल है, ये भी चालू कंडीशन में, अभी शायद इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। ये हमारा पहला एंड्रॉयड मोबाइल था कार्बन का, कार्बन A92, देख सकते हो ये, इसकी भी बैटरी डेड है बाकी। तो ये तो अभी तक चल रहा था, नोकिया का 105 है ऐसा कुछ मॉडल है, देख सकते हो। और ये नोकिया सभी 50, ये भी चालू ही था, इसका शायद बैटरी शायद महीने भर मैंने पहले चालू किया था, अभी इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। और ये मैंने मंगाया था वो नाप तोल वाला, ये भी काफ़ी चला है, 1.5 साल से का चला। इसके अंदर कैमरा के फंक्शन आते थे, स्पाई कैमरा के वगैरह, और ये काफ़ी अच्छा चला लेकिन इतना स्मूथ नहीं था। और ये तो अभी भी चालू ही है, घर पर यूज लिया जाता है। और एक और ये कार्बन का मोबाइल देख सकते हैं, और ये स्पाइस का मोबाइल था, ये भी काफ़ी चार्ज चला, इसमें फ़ोटो बढ़िया आते थे। और इसके ऊपर एक एंटीना आता था, और इसमें एक डीडी नेशनल वाले चैनल आते थे, डीडी वाले 2-3, डीडी भारती वगैरह, और इसमें मैच देखते थे। पहले डीडी नेशनल बताते, अभी तो डीडी स्पोर्ट पर बताते, तो टीवी जैसा चलता था ये, थोड़ा इसके ऊपर वायर वगैरह लगे, एंटीना बनाना पड़ता था। और ये सैमसंग J5 प्राइम है, ये तो चालू है, ये लास्ट मेरा एंड्रॉयड मोबाइल था। इससे पहले मैंने रेडमी 5 एक इस्तेमाल किया, जो मैंने एक दुकान वाले को दिया था, वो है जो उसने कहीं खो दिया है। ये सोनी का मोबाइल, ये तो काफ़ी साल तक मेरे पास रहा, अभी भी चालू कंडीशन में है, इसकी बैटरी भी शायद। ये यार सोनी वाला तो चालू था मोबाइल, सही था। और ये देख तो सोनी वाला मैंने 2013 दम लाया था, मोबाइल खुला था मैं, यार क्या हुआ, देख सकते हो खुला है, इसके अंदर कंपन हुआ है, ये देखो सोनी नाम आ रहा है। और ये तो डेफिनेटली काम कर ही रहा है, बाकी वाले भी आधे मोबाइल खुल रहे थे, आधे डेड हो चुके थे। और ईयरबड्स के बारे में, और ये जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये अभी मेरे पास पोको M2 प्रो मोबाइल है, अभी लेटेस्ट लिया है, 1 महीने हुआ है। ये इसका है जो आया था फ्लिपकार्ट बॉक्स, ये मोबाइल मेरे पास रहा है, ये मोबाइल इसका बॉक्स है, ये पैनासोनिक का इलुगारे 700, ये भी मेरे पास रहा है 2-1.5 साल, फिर मैंने उसी कीमत पर बेचा है। और सोनी वाला ये खुल चुका है, और ये सैमसंग वाला ये अभी खुला हुआ है। साथियों ये मोबाइल भी काफ़ी शुरू है, लेकिन अभी बैटरी है जो काफ़ी महीना सालों से साथ की हुई। तो इलुगारे है कि मैं विशेषता बता रहा था, इसमें कैमरा बहुत बढ़िया था, कैमरा और आवाज़, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी ना, इसके पीछे से मेटल का और बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत फोन। और ये सिग्मा वाले बैटरी थे, हाँ मैं इसके बारे में बता रहा था, ये सिग्मा टेल का मोबाइल था, इसका एक बहुत ही बढ़िया कवर आता था, तो ये तो बहुत पुराने टाइम का। और ये सोनी का है, तो ये सोनी एक्सपीरिया M डुअल। और ये मेरे पापा जी के पास अभी मोबाइल है, चालू कंडीशन में है, अभी 7 महीने लाए हुए, रेडमी 8 डुअल। और ये कार्बन का बॉक्स है, बाकी सब आप देख सकते हो, ये इतना मेटल। तो साथियों इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मेरे पास आधे मोबाइल ही उपलब्ध है, इससे ज़्यादा मैंने कई दोस्तों को दे दिए, कई रिश्तेदारों को भी दे दिए, और कई है जो गुम भी हो चुके हैं। तो साथियों ये देखो, ये कितने का मोबाइल होंगे यार, कितने का,
तो ये सिर्फ मोबाइल और ईयरफोन का ही बताया है, देख सकते हो पिछला कितना कनेक्शन होगा। आज मैंने बैठे बैठे सोचा पुराने मोबाइल वगैरह, हमारे पास वो WLL आते हैं ना, BSNL के आते थे, वो भी 4-5 पड़े हैं, टैप रेडियो टीवी वो तो अलग से। ठीक साथिया, धन्यवाद। आप भी अपने कुछ ऐसे कलेक्शन है तो ज़रूर वीडियो बनाइए, मेरे को भेजिए, मैं अपने चैनल पर चलाता हूँ या अपने पर्सनल। आप साथिया, ये सोनी का मोबाइल मेरा बहुत प्यारा था, अभी सोनी इंडिया में मोबाइल बनाना बंद कर दी। इसका ना बटनों का वो अंदर बड़ा स्टिक है पके, इसका फोटो भी ना बहुत बढ़िया था सोनी का, काफ़ी साल मैंने चलाया और मेरा फेवरेट कंपनी है सोनी। तो धन्यवाद। साथ ही इस टैबलेट के बारे में नहीं बताया भाई, ये हालांकि ये क्रैक हो चुका है, अभी डेड है, ख़राब है। ये भी टैबलेट था एक समय जो हमारे बड़ी बड़ी पिक्चर देखने काम आता था, ये बहुत बड़ा है देख सकते हो। और साथ ये मोबाइल वॉक ग्राउंड सही है अभी तक, शायद इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। ये सही मोबाइल है एकदम, वेल ओके कंडीशन का, सैमसंग का गरुड़ मोबाइल आता है सिंगल सिम।